अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ये एक फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन होस्ट, गायक और पूर्व राजनेता हैं। आइए उनके कुछ अमूल्य विचार और वचन सुनते हैं। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीने का उद्देश्य क्या है, इन दोनों में बहुत फर्क है। मैं इस बात में कभी यकीन नहीं करता हूँ कि मैं कभी भी सुपरस्टार रहा हूँ। ये कभी मत सोचना कि जो तेज बोलते हैं वे शक्तिशाली ही हो और जो धीमे बोलते हो वे कमजोर हो। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे चुनने के लिए मुक्त हैं, लेकिन उसके परिणाम से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। हर कोई साधारण ही दिखता है, लेकिन सब में एक असाधारण प्रतिभा होती है। जरूरत है तो हमें उस प्रतिभा को अपने कौशल से निखारने की। यदि आप में लगन, धैर्य, हिम्मत है तो आप किसी भी विकट परिस्थिति में उसका सामना करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकलकर आगे जा सकते हैं। मैं जिन परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ, उन परिस्थितियों में मेरे शरीर ने जिस प्रकार प्रतिक्रिया की है वह किसी रणक्षेत्र से कम नहीं है। मेरे विचार अप्रीहेंशन से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। मैं कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना मैंने अभिनय का प्रशिक्षण लिया है। मैं अपने काम को खुशी से करता हूँ। हर किसी को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हम सबकी उम्र बढ़ती है और यह हमेशा आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगी। नफरत का खुद का कोई वजूद नहीं होता है, वह तो सिर्फ मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। तकनीक के साथ हिंदी कदम मिलाकर चल रही है। हमारी हर सांस हमें प्रतिक्षण शिक्षित करती है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से बहुत बने फिरते रहते हैं। मैं हमेशा दर्शकों का मेरे प्रति आकर्षण को देखकर चकित होता हूँ। जो कुछ भी मैं करता हूँ वह विवादास्पद हो जाता है। मैं कैमरे की तुलना में एक चेहरे से बात करूंगा। काश ऐसी भी हवा चले कि कौन किसका है यह भी पता चले। मैं कभी भी अपने करियर को लेकर आश्वस्त नहीं रहा। मैंने पैसों को लेकर कभी किसी से बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कोई मायने नहीं रखते। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। जीवन के लिए एक शानदार नजरिया। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यदि हम भी यही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। आलोचनाएं उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। शास्त्र का ज्ञान शस्त्र के ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होता है। मेरा शरीर एक युद्ध क्षेत्र है जिसने बहुत कुछ सहा है। कोई भी पूर्ण नहीं है और आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए और इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। कई चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे याद आती हैं। मुझे कविताएं पसंद हैं और मैं उन्हें ऑनलाइन शेयर करता रहता हूँ। ऐसी कई चीजें हैं मुझे लगता है जिसका सुअवसर मैंने गवा दिया है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म विवाद को आकर्षित करने के लिए हुआ है। हम आशा करते हैं कि इन विचारों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे ही विचार सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।